तो हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो अपवर्क वेबसाइट के अंदर, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपवर्क वेबसाइट के अंदर अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपवर्क प्रोफाइल के अंदर आप किस तरीके से अपने अकाउंट में टैक्स इन्फॉर्मेशन को भर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को अपने अपवर्क प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपवर्क सर्च कर लेना है। अपवर्क सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जब आप वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट में चले जाना है और उसके बाद आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, वेबसाइट को ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। आप चाहें तो इस पर विजिट कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिया जाता है, आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे, आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। वहीं पर आपको आपके बैंक अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं और फिर जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है गेट पेड का। तो जब आप गेट पेड पर क्लिक करोगे ना, तो यहीं पर आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। उस पर विजिट करके आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो अपने अपवर्क प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ऐड अ मेथड का। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, ये देखिए ऐड अ मेथड का। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको किस तरीके का अकाउंट लिंक करना है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपके पास पेपल अकाउंट है तो आप उसको सेटअप कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई लोकल बैंक अकाउंट है तो आप उसको यहाँ से भी सेटअप कर सकते हो। अब अगर आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है तो जाहिर सी बात है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं सेटअप पर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप विड्रॉल्स डायरेक्ट टू लोकल बैंक, यानी कि आपका जो पेमेंट आएगा वो सीधा आपके बैंक में चला जाएगा, फिर वहाँ से आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन विड्रॉ करने के लिए आपको बैंक अकाउंट को सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन मांगता है, और इन्फॉर्मेशन के रूप में यहाँ पर आपको अपने बैंक का जो IFSC कोड होता है आपको उसको डालना है। तो मैं इसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो बैंक का जो IFSC कोड था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपके बैंक को सर्च कर लेगा IFSC कोड के थ्रू। तो जो कोड हमने डाला था उस कोड के बेसिस पर जो हमारी बैंक है जहां पर हमारा अकाउंट है वो बैंक यहां पर शो कर दिया। वॉलेट, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है अकाउंट होल्डर बैंक इन्फॉर्मेशन का। अब यहाँ पर आपको अपने खाता धारक का नाम डालना है या फिर उसके बारे में डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, तो मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में अकाउंट किस तरीके का है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो अकाउंट किस तरीके का है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, और उसके बाद में करेंट अकाउंट है तो करेंट कर दीजिए, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग कर दीजिए। यहाँ से मैं सेविंग कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर पैन नंबर डाल देते हैं। बस यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा नीचे आना है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको नेम ऑन अकाउंट, यानी कि आपका जो बैंक में अकाउंट है, यानी कि आपने जिस नाम से अकाउंट खुलवाया है उस नाम को यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो वो मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस कौन सा डालेंगे, जो आपके इस बैंक अकाउंट से लिंक होगा। ऑलराइट गाइस, यानी कि आपकी पासबुक पे जो एड्रेस रहता है आप उस वाले एड्रेस को यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर फटाफट से एड्रेस को डाल देता हूँ। आपको एक बार कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं कंट्री चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ इंडिया, और इतना सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। लेकिन फ़ोन नंबर डालने से पहले आपको अपने कंट्री का कोड डालना है। तो हमारे कंट्री का कोड है 91, तो मैं 91 सर्च कर लेता हूँ यहाँ से इंडिया, और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो मैं नंबर को टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर टाइप कर दिया है। इसके बाद आपको चेक कर देना है इसको, और इसके बाद में आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा, आपने जो जो डिटेल्स डाली हैं वो सारी यहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिए पहले, उसके बाद में आप इसको आगे बढ़ाइए, प्रोसीड कीजिए। तो यहाँ पर आपके बैंक का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप अपने बैंक में कैसी करेंसी को यूज कर रहे हैं, इंडियन करेंसी है या कैसी करेंसी है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अकाउंट होल्डर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जैसे अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, पैन कार्ड नंबर और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसके अलावा बैंक में जो नाम है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। तो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई गलती होती है तो अभी यहाँ से आप उसको सुधार भी सकते हो। तो अगर गलती नहीं है तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से सारी चीज़ों को चेक कर लेना है। उसके बाद में यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप विड्रॉल स्केड्यूल। अब यानी कि आप किस तरीके से अपने पैसों को लेना चाहोगे इस वेबसाइट के ऊपर, यानी कि वेबसाइट पर आप जब काम करोगे तो आपको जो पेमेंट चाहिए रहेगा वो किस तरीके से लेंगे आप, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी डालनी है। तो पैसा आएगा उसके लिए फीस भी कटेगी, चार्ज कटेगा। चार्ज कितना कटेगा? $0.99 कटेंगे, यानी कि लगभग $1 के बराबर आपका रुपये कटेगा जब भी आप पैसा निकालोगे अपनी बैंक से। तो आपके हर एक ट्रांजेक्शन पर लगभग $1 कट जाएगा जब भी आप पैसे निकालोगे अपने बैंक से। तो यहाँ पर ये पूछा है कि आप जो अपना पेमेंट लेना चाहोगे वो किस तरीके से लेना चाहोगे, महीने में 4 बार लेना चाहोगे या महीने में 1 बार लेना चाहोगे, महीने में 2 बार लेना चाहोगे, हर सप्ताह में लेना चाहोगे। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीफर करूंगा आप इसको मंथली कर दीजिएगा। तो मंथली करने से फायदा ये होगा कि अगर आप क्वार्टरली कर देते हो तो 4 बार मिलेगा आपको, और जब आप 4 बार पेमेंट लोगे तो आप जब भी ट्रांजेक्शन करोगे आपका $1 तो यही काट लेगा, विड्रॉ फीस ही कट जाएगी। तो इससे अच्छा आपको ये है कि महीने में 1 बार पेमेंट लीजिए और आपके केवल 89 रुपीज़ ही कटेंगे, यानी कि केवल $1 ही कटेगा। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप मंथली पर चूज कर दीजिए और उसके बाद आपको आगे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है मिनिमम विड्रॉ अकाउंट, यानी कि आप जो पैसे निकालना चाहोगे वो कितने होने चाहिए, मतलब उस बारे में पूछा है। तो यहाँ पर आपको क्या चूज करना है? तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको ऐसे छेड़े ना, ऐसे ही पड़ा रहने दें। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आप $1,00,000 तक निकाल सकते हो जो कि मिनिमम अमाउंट होगा। ऑलराइट, तो आप इसको छेड़े ना, आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। अगला ऑप्शन दिया गया है रिजर्व बैलेंस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको $0.00 कर देना है। तो गाइस यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया जाता है रिजर्व बैलेंस का, जो आपका अकाउंट होता है, जो इस वेबसाइट पर आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर जो कनेक्ट मिलते हैं ना, तो वहां पर कनेक्ट खरीदने के लिए यहाँ पर ये अमाउंट मांगता है। अगर आप यहाँ से अमाउंट चूज कर देते हो तो आप उतने अमाउंट तक के कनेक्ट भी खरीद सकते हो वहां पर। तो आप चाहे तो यहाँ से चूज कर सकते हो, ना चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका जो विड्रॉ करने का मेथड था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब आप चाहे तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दे सकते हो। ऑलरेडी तो अब आपका जो पैसा आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपवर्क वेबसाइट के अंदर अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप अपवर्क वेबसाइट के अंदर अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए लर्न कंप्यूटर को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।